नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी हेडलाइंस पर। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ तीखे तेवर दिखा रही जननायक जनता पार्टी। आदमपुर उपचुनाव के पोस्टर में फोटो न लगने की वजह से नाराज हैं जजपा के नेता। भाजपा और जजपा में अंदरूनी कलह के चलते दिल्ली में बुलाई गई 2 दिन की संसदीय बोर्ड की मीटिंग। खट्टर ने कहा पोस्टर स्थानीय लोगों ने लगाए थे, अगर पार्टी लगाएगी तो भाजपा के साथ साथ जजपा नेताओं का भी होगा फोटो। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पहुंचेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मीटिंग में शामिल होकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित हिमाचल प्रदेश के 517 डेलीगेट से चर्चा कर मांगेंगे वोट। सूत्रों के अनुसार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कुमारी शैलजा ने खड़गे का समर्थन देने का किया फैसला। पानीपत की दुर्गा कॉलोनी में आरोपियों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। ताला तोड़कर घर में घुसे थे चोर, 5,000 और सोने चांदी के गहनों पर किया हाथ साफ। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा जारी किए गए नियमों से राहत चाहते हैं पानीपत के उद्यमी। नियमों से राहत मांगने के लिए पानीपत के उद्यमियों ने सीएम मनोहर से चंडीगढ़ में की मुलाकात। सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि 6 महीने की और दी जाएगी मोहलत। सीएम मनोहर लाल से आश्वासन मिलने के बाद पानीपत के उद्यमियों ने 13 अक्टूबर को स्थगित किया प्रस्तावित धरना प्रदर्शन। पानीपत शहर के कुलदीप नगर में दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी युवक के पिता पर शनिवार को किया गया था चाकू से जानलेवा हमला। पुराना औद्योगिक थाना के अनुसार हमला करने वाले आरोपी को काबू करते हुए वारदात में प्रयुक्त बाइक पर चाकू किए गए बरामद। डीटी मनप्रीत मलिक की हत्या करने के मामले में शहीदों की टीम ने हासिल की बड़ी कामयाबी। वारदात को अंजाम देने वाले 3 और आरोपियों को CIA2 ने किया गिरफ्तार। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। फिर मौजूद होंगे आपके सामने लेकर ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें। बना रहेगा यूं ही खबरों का सिलसिला। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।